गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीरेंद्र पटेल श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज रातला वाराणसी से आप लोग को कक्षा 12 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग पहले वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स का गुणनफल, योगफल सर आप लोग अध्ययन किए हैं। आज आप लोग को परिवर्त आव्यूह के बारे में बताया जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यह क्या होता है तो ध्यान दें बच्चों, परिवर्त आव्यूह क्या होता है तो किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ के रूप में तथा स्तंभ को पंक्ति के रूप में लिखने पर प्राप्त आव्यूह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे ए डैश या ए के पावर टी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो परिवर्त आव्यूह होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स वह क्या होता है, यदि किसी आव्यूह के पंक्ति को स्तंभ के रूप में और स्तंभ को पंक्ति के रूप में बदल दिया जाए तो जो प्राप्त आव्यूह है वह मूल आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे हम यहाँ देखिए, कोई मैट्रिक्स ले ले एग्जांपल पर, कि हमने एक मैट्रिक्स ए लिया, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू पहले रो में 2 1 0, दूसरे रो में 1 5 2, इस प्रकार से है। अब इसका जो परिवर्त आव्यूह होगा, परिवर्त आव्यूह ठीक है, उसे हम ए डैश या ए के पावर टी से दिखाते हैं। तो उसमें होता क्या है, परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने के लिए जो हमारा पंक्ति है उसे स्तंभ में बदलेंगे और स्तंभ को पंक्ति में। तो जो इस प्रकार से हमारा आर वन है उसको हम सी वन में लिख देंगे, सी वन में जो आर वन है उसको सी वन में चेंज करेंगे, यहाँ 2 1 0, और जो आर टू है उसको हम सी टू कर लेंगे, 1 5 2 ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए कोई दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हो गया, यदि आव्यूह बी इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 0 5 -2 1 7 2 1, इस प्रकार से मान लीजिए है डॉक्यूमेंट हो तो बी डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में देखते हैं कि जो मैट्रिक्स बी है आव्यूह बी वह कुछ इस प्रकार है, तृतीय कोटि का आव्यूह है दिया गया, इस प्रकार से हम यहाँ पर नोट कर लेंगे 1 2 0 5 -2 1 7 2 1, इस प्रकार से ये हो गया हमारा ठीक है। इसलिए आव्यूह डी का परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह तो बी डैश इज इक्वल टू, तो आप पहली बात जान गए हैं कि जो आर वन है उसको सी वन करना है, आर टू को सी टू और आर थ्री को सी थ्री करना है। जो हमारा आर वन है 1 2 0, आर टू जो हमारा है 5 -2 1, आर थ्री है 7 2 1, इस प्रकार से हमने यहाँ पे परिवर्तन भी बी कर लिया। अब आगे कुछ सवाल इस प्रकार देखते हैं, जैसे आपको मिल गया कि क्वेश्चन है यदि आव्यूह ए इज इक्वल टू द्वितीय कोटि का है 2 -2 3 1 हो तो ए इंटू ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए कैसे करते हैं, तो हल में आव्यूह ए इज इक्वल टू आव्यूह ए उतार लीजिए आप जो भी है यहाँ पर 2 -2 3 1, इस प्रकार हो गया। इसलिए ए डैश मतलब उसका परिवर्त आव्यूह,
रेडियस में क्या होता है कि जो आर वन है वही बन जाएगा हमारा सी वन, जाएगा यहाँ पर टू माइनस टू थ्री वन, ठीक यहाँ होगा। अब जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, वैल्यू हमें ज्ञात करना है ए इंटू ए डैश का, पुनः ए इंटू ए डैश जो इक्वल टू ए की वैल्यू हम रखेंगे, ए की वैल्यू हमारा यहाँ पर है टू माइनस टू थ्री वन और इंटू इंटू ए डैश की वैल्यू, ए डैश की वैल्यू हमारे यहाँ पर है, ए डैश की वैल्यू टू थ्री माइनस टू वन। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई पहले वीडियो में आपको बताया गया है कैसे कैसे होता है। तो पहले आव्यूह के रो का दूसरे आव्यूह के कॉलम में गुणा होता है, कर लीजिए गुणा, तो टू इंटू टू, टू इंटू टू प्लस टू इंटू टू हो गया प्लस माइनस टू इंटू माइनस टू, माइनस टू इंटू माइनस टू। अब इस रो का इसमें होगा, रो का दूसरे कॉलम में, तो टू इंटू थ्री प्लस माइनस टू इंटू वन। अब दूसरा रो लेंगे हम, दूसरे रो का पहले कॉलम में फिर दूसरे कॉलम में, दूसरा रो थ्री इंटू टू प्लस वन इंटू माइनस टू। अब दूसरे रो का दूसरे कॉलम में थ्री इंटू थ्री प्लस वन इंटू वन, इस प्रकार से हमने ये कर लिया। अब इसे सॉल्व कर लें, ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू, सॉल्व करिए फोर, अब माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस फोर, टू इंटू सिक्स थ्री सिक्स माइनस टू, टू सिक्स माइनस टू यहाँ पर नाइन प्लस वन, तो ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एट्टी एट फोर फोर टेन। इस प्रकार से हम परिवर्तन आव्यूह से संबंधित सारी गणना को हल करते हैं।